वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जय हिंद। कैसे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना। और नहीं करा पता है यार, मैं ना ये शॉल गल तोड़ के आ गई हूँ। हाँ। अदरवाइज ना देखो ऐसे, ऐसे मैं नीचे व्हाइट पहना हूँ और ये ऊपर व्हाइट पहने और ब्लू। और देखो मैचिंग मैचिंग है यार, मैचिंग तो पता है। हम बोलते मैचिंग क्यों है, मैं बता दूँ। मैचिंग होके हम पता कहाँ गए थे, भंडारा लेने। भंडारा नहीं, वैसे तो वहाँ फिल्मी गाने चल रहे थे। ये देखो, ये राजमा और चावल, ये तन्नू के लिए लिया, थोड़ा 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 हम दोनों ने लिया। तो इसमें हम शर्माते नहीं है, कहीं मिलता है तो ले आते हैं खाने के लिए ना। ये वाला ज्यादा है, बोला ऑर्डर। ये देखो, ये देखो, ये मैं खाऊंगा, ये तन्नू का खाएगी, कोको मैं खाएगी, ये तन्नू खाएगी। नहीं, वो तन्नू खा लेगी, वो तन्नू खाएगी। तन्नू ज्यादा हुआ है। तो हम शर्माते नहीं है यार, हम ले आते हैं, मम्मी को भी दे आते हैं। इस बार मम्मी को दे के नहीं आए क्योंकि ठंड हो रही है, मम्मी को वैसे दर्द हो जाता है इस वजह से। तो आइए आप लोग भी राजमा चावल खाइए, इसकी रेसिपी उनसे। नहीं खाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा, कोई बात। भाई इसी में हंसी खुशी है, अब तो खाना भी मांग मांग के खाना पड़ रहा है हमारे। देखो, चलो तुम तो बैठो, देखो अच्छी खुशबू आ रही है। खाते हैं और फिर मिलते हैं। मैं दुकान पे आई, इन्होंने बोला कि कुछ खाने के लिए नहीं लेके आई, फिर बोल रहे राजमा चावल मिल रहे हैं। मैं इनका देर किस बात की, चलो लॉक लगाओ और चलो। वैसे ग्राहक नहीं है, और ग्राहक नहीं है तो खाली बैठना ही बैठना है। आज है कम है, हम बार बार ये नहीं बोलेंगे नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तो नेगेटिविटी आती जाती है। आज है कम है, बोनी हो चुकी है मतलब। तो खा के मिलते हैं। अभी घर पर और दुकान से मैं दोपहर ही आ गई थी, तभी के तभी बस राजमा चावल खाए थे और उसके बाद में घर पे आ गई थी चाय वगैरह पी। और आज मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये साड़ी। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मतलब स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, किसी चीज़ की मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ये साड़ी मैंने खरीदी है यहीं से। क्या हुआ बेटा? तो ये साड़ी मैंने खरीदी है, देखती हूँ कोई भी पहन लेगा, मम्मी या मैं, जो भी है। मैंने खरीद ली है ऐसे ही, अच्छी लगी थी। ये देखो, ये मैंने ब्लू कलर की, ऊपर से पल्लू है इस पर, बहुत हल्की सी है ये साड़ी, ब्लू कलर पे रेड कलर की पाइपिंग है। और साथ में इसमें ये ऑफ वाइट कलर का है, गौरी को मैं देख साथ में कहीं गिर ना जाए दोबारा। मैं पूरा खोल के दिखाती हूँ, इस तरीके से इस पे फूल बने हुए हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं ब्लू कलर के, तो दोनों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। मतलब कि मैं एक मिनट ऐसे दिखाती हूँ, इस पे एम्ब्रॉयडरी है, तो एम्ब्रॉयडरी जो है वो इसकी मैचिंग की है, ये वाले कलर के ब्लू पे क्रीम कलर की एम्ब्रॉयडरी है और क्रीम पे ब्लू कलर के फ्लावर हैं ग्रीन कलर के। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। कुछ इस तरीके से है, अच्छी लगेगी पहनने के बाद में। कई बार घर में अच्छी लगती है, अभी तक मैं साड़ियां नहीं पहन रही थी, लेकिन अब कोशिश करूंगी कि मैं साड़ी पहनूं और वीडियो में, लेकिन गौरी के साथ में नहीं पॉसिबल हो पाएगा। पहले पहनती थी, अब नहीं पहन पाती हूँ। तो ये इस तरीके से आएगी, अच्छी लगी थी मुझे बहुत ज्यादा। कौन है तन्नु? अच्छा, तो बताइएगा कैसी लगी है। बहुत सस्ती है, सिर्फ ये मुझे पड़ी है ओनली 200 की। तो इसके साथ बस ये है कि ब्लाउज नहीं है, तो ब्लाउज मेरे पास रेड कलर का है, क्रीम कलर का है, वो मैं डाल लूंगी और पहन लूंगी, और फिर जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी। और मैंने आपको रेट बता ही दिया कितनी सस्ती है ये। और ये वैसे भी जब साड़ी पहनते तो कहते हैं कि दुल्हन की तरह तैयार हो जाओ, साड़ी पहनने का मतलब इनके उसमें है दुल्हन की तरह तैयार हो गए। तो दुल्हन तो हो गई तैयार, दूल्हा कहाँ है।
है ना भाई। चल आज चोटी चोटी लगी ना, चोट लगा था, चोट लगा था कि मजा आया था इसको, इसको मजा आया था, इसको बहुत ज्यादा मजा आया था। छोटा की मुझे क्यों मजा आएगा बताओ जरा। तन्नु तो ऐसे भागी ना, बस पूछो मत। हाँ मदर डेरी का घी मुझे सबसे अच्छा लगता है पराठे वगैरह बनाने के लिए, और वैसे भी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये वाला घी, काफी अच्छा रहता है और खुशबू भी इसकी अच्छी होती है। इवन मैंने पता है आपकी बार डेरी से मंगाया, दीदी ने भेजा, उसमें मुझे बिल्कुल अच्छा मजा नहीं आया और रिफाइंड जैसा मिला हुआ है उसमें। और आटा मंगाया है मैंने अभी और घी, तो अभी देखते हैं सब्जी क्या बनाओ। मटर पनीर बनाओ, मन तो है मटर पनीर का, मटर पनीर बनाएंगे, देखते हैं बनाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में, तनु सोच रही है अभी क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे गौरी को बांध करके बिठाया हुआ है, लेकिन ज़्यादा देर नहीं बैठी थी। कितनी देर बैठी थी? 5 मिनट। 5 मिनट वो बैठी थी यहाँ पर, और फिर हम लोगों ने खोल दिया था उसको। बांध के इसलिए बिठाया है क्योंकि आज ये बेड से गिर गई थी, आज इनको चोट लगी थी, तो हमने सोचा कि ये वाला तरीका अपना करके देखते हैं कि रुक जाए, लेकिन वो रोने लग गई थी, इस वजह से हमने खोल दिया उसको। और यहाँ पर ये अपने बाबू को ले रही है। आजकल ये बेड से इधर से उधर ज़्यादा हो रही हैं, इस वजह से सेफ्टी रखनी पड़ रही है, और इनकी वजह से आज सब ने सुना भी दिया अच्छे से मुझे और तन्नू को। किसने सुनाया? सब ने, मौसी ने भी, अम्मा ने भी, और यहाँ पर आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गरमा गरम जलेबी। कितनी टेस्टी लग रही ना देखने में, पास से देखिए। बिल्कुल भी नहीं लग रही, फिर जाएगा नीचे। अलजीरा, अलजीरा बनाने जा रही हूँ मैं, अलजीरा तनु ने बोला है, और ये छोटा पैकेट है, इसको इसके अंदर खोल लिया। ये दोनों पीछे खेल रही है ना, इसलिए आवाज आ रही है। छोटा पैकेट लाई, बड़ा पैकेट आया था घर में, एक्सपायर हो गया वो। ओ नहीं, पर्स से फेंका बेटा मैंने, पूरा पैक इसको बता नहीं रहता ना, पीछे से बोले ओ मुझे इसके भोकर कैसे खोलूं। अबे रुको बेटा, जलजीरा बना दूं आपके लिए पहले। इसमें डालेंगे नींबू। यार इतना ना जरूरी काम रोल बनाओ इसको, जलजीरा और नींबू पानी कितना भी दे दो। और अब इसमें एक चीज और डालेंगे जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। अभी ठंडा तो पी नहीं सकते हैं, तो ठंडा नहीं, गरम करूंगी अभी, गरम नहीं करूंगी यार। ये देखो लग रहा है ना आप टेस्टी सा, मम्मा गरम करके देगी इसको अभी। गौरी बेटा रुक जाओ, दीदी को आज गरम गरम पिलाएंगे। तो ये देखो मजा आ जाता है इसे पीने में, बूंदी डाल के तो और मजा आ जाता है, और साथ में अगर पुदीने को पीस के उसका रस डाला जाए तो इसमें टेस्ट और चार गुना बढ़ जाता है। तो वो मेरे पास में अभी है नहीं, इस वजह से नहीं। आइए तनु वैसे इसमें से देगी नहीं, मैं दूसरा बना दूंगी। यहाँ पर मैं सब्जी फ्राई कर रही हूँ, ये सब्जी जो है मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी सब्जी है, आलू मटर और गोभी मिक्स करके है, मम्मी ने बनाई थी। तो यहाँ पर उसी सब्जी को मैं दोबारा से अच्छी सब्जी बना रही हूँ, अच्छी मतलब ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही हूँ उसी को। मैंने इसमें घी डाला है, हींग जीरा डाल दिया है, और इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्ची और प्याज कटे हुए, सॉरी टमाटर कटे हुए जो थे, और काट करके इसके अंदर मैं मिक्स कर दूँगी, ग्रेवी तैयार कर लूँगी इसकी। धनिया डाल दूंगी इसके अंदर, और कसूरी मेथी डालूंगी, नमक डालूंगी, और थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है, लाल मिर्ची नहीं यूज की है क्योंकि इसमें हरी मिर्ची ऐड की है मैंने, और ये अच्छे से देखिए पकने लगी है। अब इसमें मैं डालूंगी यहाँ पर
पानी ऐड करूंगी मैं इसमें, अभी नहीं बाद में। पहले सब्जी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या सब्जी थी। मम्मी ने बोला कि सब्जी मेरे पास बची हुई है और हम सब्जी नहीं खाएंगे। मैंने कहा ठीक है आप मुझे दे दो, मैं इसको फ्राई करके पतला बना करके हम लोग खा लेंगे इसको, क्योंकि वेस्ट नहीं करना है इस वजह से। तो ये सब्जी है, इसको मैंने इसके अंदर मिला लिया है, अच्छे से चला लूँगी मैं। और बहुत टेस्टी सब्जी लगती है इस तरीके से, कभी आप खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। बची हुई सब्जी को इस तरीके से फ्राई करो, प्याज डालना चाहो तो डाल सकते हो। तनु ने मना किया प्याज के लिए, इस वजह से प्याज ऐड नहीं करी। और इसमें डाल दिया पानी, पानी अगर गर्म करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, पानी को अलग उबाल करके। और यहाँ पर ये देखो, और गौरी के गिरने पर आज मम्मी बोल रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे गिरते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो बोल रही थी कि ध्यान रखो उसका, लेकिन बच्चे गिरते ही गिरते हैं, क्या कर सकते हैं उसमें, और गिरना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी ना। इनका फर्स्ट टाइम आज गिरी थी तो थोड़ा अजीब लगा था, बहुत रोई थी। और देखिए सब्जी का कलर यहाँ पर देखिए, ये सब्जी का कलर अच्छा सा हो चुका है, पतली हो चुकी है, इसको आराम से खा सकते हैं। पास से मैं दिखा रही हूँ आपको, तो बहुत ही टेस्टी सी लग रही है ये। तो आइए आप लोग भी खाइए। और इसके बाद में जो है, मैंने दलिया बनाया हुआ था, दलिए से मैं रोटी खाऊंगी, मेरे को अच्छा लग रहा था दलिया, और मैं मीठे दलिए से रोटी खा लेती हूँ। और बचा हुआ भी था, इस बहाने रोटी भी खाई जाएंगी, वो दोनों सब्जी खाएंगे, मैं दलिए से खा लूँगी। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है दलिया, और वाकई ही बहुत टेस्टी भी लगता है। जिसको मीठा पसंद है वो खा सकता है, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं खाता है। दलिया वैसे भी खाइए, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो अब आगे जो है नोनी आपको मिलेगी, और इस ब्लॉग को आगे मैं एंड कर दूंगी इसके बाद में। नोनी क्या खा रहा है बेटा? केला खा ले, हम केला खा ले, केला ले, देखो आओ आ जा इधर आ, इधर आ। लाइट नहीं जली हुई ना इसलिए, लाइट नहीं जली हुई ना, एक एक ही लाइट जल रही। हाँ नोनी आप क्या खा रहे? नोनी नोनी हेलो, नोनी हेलो, हाई फाई करो, हाई फाई करो, हाई फाई। ये फिर करेगी, वो करने के लिए पैर उठा रहे, फिर से करो हाई फाई, हाई फाई। मेरे बच्चा हाई फाई करती है हमारी नोनी। मिले बीता है, मिले बीता पहले कर रहा है वो। फिर आप हाई फाइव कर रही है। ला हाई फाइव, हाई फाइव। बनाना तो फेवरेट है पापा मेरा। हाँ जल्दी करो, ला ला हाई फाइव। अब मैं थक गया। हाँ मैं थक गया पापा जी।